दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके लिए जो अभी 854 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें सिलेबस में क्या क्या है, क्योंकि ये इसलिए बना रहा हूँ मैं वीडियो, कुछ लोगों के बार बार कमेंट आ रहे थे और कुछ लोगों के जो है मैसेज भी आ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि ये वीडियो एक इस पर वीडियो बना देनी चाहिए, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा है कि ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा मौका फिर दोबारा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर आप भूल जाइए कि अभी भी वीडियो आएगी, फिर आप 3-4 साल बाद ही फिर कुछ हो पाएगा, या 3-4, फिर किसी को नहीं पता कि कब भर्ती आएगी। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आएगी, तो आएगी, पर आप लोग इसी मौके को भुना लेंगे, फिर कुछ नए बच्चे भी हो जाएंगे तैयारी में, फिर आप लोग भी, उम्र बढ़ रही है सबकी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। क्या इतने समय में अच्छी तैयारी हो पाएगी? अब कुछ लोगों का है कि मन में अब बिल्कुल नए हैं, क्या तैयारी हो पाएगी, पर्याप्त समय है? पैटर्न में क्या कुछ बदलाव हुआ, इसके लिए क्या रहेगा, खुद ही पढ़ा या कोचिंग? तो इस सब पर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो आयोग की तरफ से कहा गया है परीक्षा के बारे में। दोस्तों इसके जो फॉर्म भरने हैं वो 10 नवंबर से स्टार्ट हो गए हैं, तो अगर आपको इसमें जो है प्रेफरेंस भी देनी है, अगर आप कहेंगे कि प्रेफरेंस कैसे देनी है तो आप कमेंट करेंगे, तो मैं आपके लिए बहुत जल्दी वीडियो बना के ले आऊँगा। तो फॉर्म सभी लोग ज़रूर भरें। सब में बताया है कि वीपीडियो के लिए सीसीसी लगेगा, और बाकी जो और हैं समीक्षा अधिकारी, उनके लिए आपकी जो है कंप्यूटर टाइपिंग भी, वो भी होनी है, वो सब बताया हुआ है मैंने पिछली वीडियो में। तो इसमें आयोग की तरफ से क्या कहा गया है, लिखित प्रतियोगी परीक्षा, तो सामान्य ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35% अंक लाने अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्हर माने जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 यानी कि 1/0.25 इतने आपके ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि अब नए होते हैं बच्चे जो नए नए तैयारी करते, तो 45% अंक लाने पर उनका चयन हो जाएगा। कुछ लोग जो ST होंगे या SC, तो दोस्तों अगर जब मेरिट बहुत कम जाती है तो तब उस दशा में आपका इतने में चयन हो सकता है, अन्यथा इतने नंबर ला के जर्नल में 45 और ST और SC में 35% ला के, तो आप भूल जाइए कि आपका चयन होगा। तो जो मेरिट रहती है कभी भी 100 में 100/100 नहीं जाती, आप सभी को पता है। तो आजकल जो मेरिट जाती है दोस्तों वो 65 से लेके जो ज़्यादा से ज़्यादा 65 या फिर 70 और 85 के बीच में जो है आपकी मेरिट इसमें रहती है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि उपरोक्त सभी पदों को क्लब करके इस आधार पर विज्ञापित किया गया है कि इन सबके लिए स्नातक उपाधि की अर्हता अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, यानी कि जो आपकी इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो स्नातक लेवल के लिए ही है, इसमें जो 12वीं के नए लड़के हैं उनके लिए इसमें नहीं है। कुछ पदों पर स्नातक उपाधि के साथ साथ अन्य स्नातक स्तरीय अर्हताएँ भी हैं, जैसे कि आपके लिए CCC मांगा गया है BPDO में, और जो सहायक समीक्षा अधिकारी था उसमें कंप्यूटर भी जो आपकी बाद में टाइपिंग होगी वो उसमें बताया गया है, वो सब वीडियो मैंने आपको पहले ही दिए, अगर नहीं देखिए तो आप लिस्ट में जाके ज़रूर देखिए। किंतु परीक्षाओं को समयबद्ध आधार पर पूरा करने के लिए समान पदों की क्लबिंग आवश्यक है, जिससे कई परीक्षा कराने के भार से बचा जा सके, साथ ही बार बार परीक्षाओं की सूचिता की आशंका भंग होने की आशंका को भी कम किया जा सके। अतः इन सभी पदों के चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस की 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी। तो आपकी वही 2 घंटे की परीक्षा होने वाली, इसमें 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और प्रत्येक के लिए 1 मार्क से 1 नंबर आपको इसमें दिया जाएगा। और इसमें यहाँ पर यह भी बताया गया कि सामान्य हिंदी, जैसे दोस्तों जो सामान्य जो जनरल सिलेबस है उत्तराखंड का जो आयोग ने डाला हुआ वेबसाइट पर, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे, विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा रहा है। तो अभी तो दोस्तों ये आयोग की वेबसाइट पर नहीं आया, जैसे ही आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। इसका जो है सामान्य सिलेबस है, हिंदी आपकी 20 क्वेश्चन आपके इसमें आने हैं, 20 क्वेश्चन। अब दोस्तों हिंदी को आप हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि 20 में से भी 20 करने आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे, आयोग जिस तरह से आजकल पेपर बना रहा है, तो कुछ लोग हिंदी को बहुत हल्के में लेते हैं, तो आप ये गलती ना करें, क्योंकि ये दोस्तों स्नातक लेवल
कि आपकी परीक्षा है, सभी में स्नातक मांगा गया है, तो आप भूल जाइए कि इसमें कि जो पहले तक आप देखते थे 2018 से पहले तक क्वेश्चन को, वो आप अब आपने देख ले होंगे 2018 के बाद किस तरह के पेपर हो रहे हैं। तो 20 में से 20 हिंदी करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आप अभी से, आपके पास अभी नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में कहा एक ने, क्या पता मई या जून, तो मई में जहाँ तक पूरी संभावना है कि पेपर हो जाए, तब तक आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी हिंदी के लिए भी आप एक दो बुकें ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा या दो बुकें आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपके पास समय है। बाकी एक बुक से कुछ थोड़ा आपको दूसरी बुक में ज़रूर कुछ अंतर मिलेगा। और उत्तराखंड के लिए भी दोस्तों अभी आप पढ़ सकते हैं, जहाँ से भी पढ़ें, आप कोचिंग करना चाहें या कुछ ऑनलाइन कोर्स लेना चाहें, जो भी आप कहीं से पढ़ रहे हैं या खुद ही आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को आप निकाल सकते हैं। और 40 नंबर की आपकी दोस्तों इसमें उत्तराखंड पूछी जाती है, और बाकी 40 में दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन जो रहेंगे वो जीके के रहेंगे, बाकी उसमें से भी 10 जो हैं आपसे पूछे जाएंगे रीजनिंग के। तो रीजनिंग भी अच्छी खासी पूछी जाएगी, तो हालांकि सभी लोग 8-9 रीजनिंग उतनी, आपने पिछले पेपर देखे होंगे तो रीजनिंग कैसी पूछी जाती है, तो उसी टाइप का इसमें रीजनिंग रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जैसे ही ये मैंने सामान्य सिलेबस आपको बता दिया, या फिर जैसे ही विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा रहा है, तो अभी तो नहीं आया, तो जैसे ही आएगा ये आपको बता दिया जाएगा। बाकी मैंने बता दिया कि आपको वो सब चीज़ें पढ़ना है, बाकी आप बताइए कि उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी पढ़नी है, और भी अजय रावत जी की बुक है, और भी बहुत सारी बुक हैं। आप अगर पूछेंगे कि कौन कौन सी बुक हैं, इस पर वीडियो बनाया हुआ है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं वहाँ से कि आपको किन किन बुकों को पढ़ना है उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए। तो ये अच्छा मौका है दोस्तों, 864 पद इसमें है, बाकी 746 का भी आपने फॉर्म भरा हुआ है। जो लोग अभी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल के लिए, उनके लिए भी 1500 अच्छा मौका है। बाकी और भी जो एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं, तो आप दोस्तों 2021 को ज़रूर आप अपना आप उसमें 2021 में ज़रूर आप सफल होइए। बाकी ये साल तो सभी का ऐसा ही चले गया है, बाकी एक दो महीने इसमें जो भी बचे हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।